है बदलाव का, अभी तो शुरुआत है इस बदलाव का। अभी तो मतलब देखिए यहाँ पे उल्टा पुल्टा नाम इंडिया को बोला जा रहा है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया उल्टा पुल्टा नाम है, इंडिया उल्टा पुल्टा नाम है। ना ना क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये बोल रहे हैं कि इंडिया उल्टा पुल्टा नाम। नहीं क्या दिक्कत है, नहीं जी अरे जी यहाँ नाम है इंडिया, आप लोग नहीं चाहते हैं कि इंडिया का नाम चेंज। भैया आपने बोला कि इंडिया उल्टा पुल्टा नाम है, कैसा उल्टा पुल्टा नाम है? अरे देखिए 193 देश है ना, वो ऐसा देश है जैसे नेपाल को नेपाल बोलता है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बोलता है, तो भारत को भारत बोलिए। इंडिया बोलने में क्या आपत्ति है? अच्छा, आपत्ति है? पहले बोला जाता था जीतेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, वो ठीक कि जो भी प्राचीन काल उसको कर जाए तो भाई ताजमहल को गिरा दिया जाए, गिरा दो, वो गिरा दो, गलत है, गिरा दो। जब जब हमारे हमारे सुनिए सुनिए, हम नहीं बुलाते हैं विदेशी को, मोदी जी, मोदी जी ताजमहल क्यों दिखवाए, दिखाने लाए थे अंग्रेजों को दिया वो नाम रखेंगे भारत। जब हमारे जो पूरा जो सनातनी थे, जो पुरातन थे, जो हमारे भारत भारत के नाम पे, भारत भूमि के नाम पे इस देश का जब नाम भारत पड़ा था, भारत क्यों नहीं बुलाएंगे? भारत के नाम पड़ा था इस देश का, भारत के नाम पे भारत पड़ा था, भारत पड़ा था, क्या बोला जाता था पहले हमारे देश को यहाँ पे नहीं आए थे? तो आर्यवर्त बोलता आप, ठीक है तो ठीक है आर्यवर्त बोला था, लेकिन भारत कितने नाम है, कितने नाम है आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि इसका नाम भारत था, भारत पहले क्या बोला, भारत को क्या आर्यवर्त, आर्यवर्त करना चाहिए, आर्यवर्त रख दीजिए, आर्यवर्त तो नहीं, ज्ञान भाग लोग है जैसा बीजेपी के अनभाग लोग है कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा बीजेपी के अनभाग लोग है कुछ भी बोल सकते हैं, इंडिया बोलते हैं कि इंडिया उल्टा पुल्टा, कैसे नाम है इंडिया, आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ बता दीजिए हमको, पैन कार्ड पे क्या लिखा हुआ है भैया, कि भारत देश के नाम पे कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो अपना पूरा मिला के क्यों इंडिया रखा, क्यों इंडिया, मोदी जी तो सिर्फ पॉलिटिक्स लड़ते हैं धर्म पर, उसके अलावा कुछ तो लड़ते नहीं, मोदी और योगी का एक ही काम है पॉलिटिक्स लड़ना धर्म पर और किसी पे नहीं, बेरोजगारी पे लड़ो भाई, लड़ो लड़ो, शिक्षा की बात नहीं होती है, सिर्फ नाम चेंज करने लोगों का योजना के अंदर, भाजपा के योजना के अंदर जो इंडिया शब्द लगा वो उस वक्त अच्छा था, इंडिया अभी खराब हो गया, स्टार्टअप सुनिए ना भैया, खराब हो गया वो तो छोड़िए, कितना सारा इंडिया लेकर के आए, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, खराब हो गया वो तो छोड़िए, खराब हो गया तो इनको लोगों ने यही बोल रहे हैं ना कि इंडिया उल्टा पुल्टा नाम है, तो इंडिया उल्टा पुल्टा तो उनका जो योजना वो अभी तो उल्टा पुल्टा, मैं इंडिया बोलने के लिए तैयार, आई हेट माय इंडिया बोलने के लिए, हां तैयार था, आई हेट माय इंडिया बोलने के लिए, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, अरे मैं जो भी गलत बोलेगा वो देशद्रोही है, देशद्रोही है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता भक्त थे, कार्यकर्ता नहीं अंधभक्त थे, कार्यकर्ता थोड़े थे, वो डर लग गया इंडिया नाम से, डर लग गया इंडिया नाम से, नाम तो सच में डर उड़ लग रहा है। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, एक इनविटेशन गया है हमारे राष्ट्रपति जी को जिसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आपको तो पता ही है कि जो महागठबंधन है उन्होंने अपना नाम जो है इंडिया रख लिया है, उसके बाद से जितने भी भाजपा के नेता है वो अपने प्रोफाइल से इंडिया को हटा के भारत कर लिए है। पहले तो ये था कि राज्य का नाम चेंज हो रहा था, लेकिन अब लगता है कि मोदी जी देश का नाम चेंज कर देंगे। तो आइए लोगों से जानते हैं कि अगर इंडिया को भारत कर दिया जाए, वैसे तो भारत इंडिया एक ही है, लेकिन अब देखे होंगे कि आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड में लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो लोगों से ही जानते हैं क्या चेंज हो जाना चाहिए, नाम इंडिया से भारत हो जाना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा कोई बात ना है, काला चेंज होगा क्या, कर तो दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनविटेशन में लिखा गया है, लिखने से क्या होगा, इंडिया भारत का इंग्लिश तो इंडिया है ना, चेंज कहला होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि हो सकता है ये जो 5 दिन की बैठक है उसमें हो सकता है कि नाम को चेंज करके इंडिया को भारत कर दे। अब भाई उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ चेंज करने से बोल दिए इंडिया को भारत किया जाएगा, इंडिया को भारत किया जा रहा है, यहाँ भारत को इंडिया किया जा रहा है, बोले इंडिया को है, आपको मैटर पूरा को भारत का आजाद करा जा रहा है, इंडिया को भारत का, आपको क्या लगता है कि ये सब करने से क्या होने वाला है, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? कुछ नहीं होगी, अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छा होती नहीं तो आज हमारा इतना बेरोजगार नहीं मरता, ठीक ना, ऊपर अगर बिहार को शिक्षा व्यवस्था लिया जाए, अगर यही आदमी बिहार से एमएससी और बैचलर डिग्री करके दूसरा स्टेट जाता है वहाँ पे उसका कोई नहीं रहता है। भैया ये भारत का नाम इंडिया कर देना चाहिए, इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, इन सब चीजों के झमेले में पड़ने से अच्छा है ना कि बिहार की जो
और भारत की व्यवस्था को सुधारा जाए। इससे नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, भले यही कुछ अगर भाजपा को कुछ करनी है तो अगर इतना बेरोजगार इतनी गरीबी इसको हटाओ, नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ। तो आपको जब आपके जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पूरे देश में इतने सारे लोग हैं, सबको आधार कार्ड चेंज करवाना होगा, पैन कार्ड चेंज करवाना पड़ेगा, यहाँ तक कि नोट में भी लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या वहाँ पे भी कर दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत? भाजपा को जो मनाता वो करना होता, ये कभी हो ही नहीं सकता। एक बंदा 140 करोड़ देशवासी है, कितना को चेंज करेगा? ऊपर से फ्री में तो करता नहीं, 150 रुपया लेता है। आप सोचिए 140 करोड़ गुना 150 कीजिए तो कितना होगा? ऊपर से उसको क्या भारत सरकार को इनकम नहीं होता आधार कार्ड चेंज करने में? टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि उतना आदमी परेशान होगा, बहुत परेशान होगा। जो होना चाहिए, हम भाई भारत हो, हिंदुस्तान हो, इंडिया हो, चाहे आर्यावर्त हो, ये सब भारत के नाम है और भारत की खूबसूरती है कि कई नाम है, उससे हमको कोई बहस नहीं है। और इसमें लिखा भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेन मुद्दा यहाँ होना चाहिए भाई बेरोजगारी जो है। हम नेम चेंज करके क्या करेंगे भाई? आप इलाहाबाद का प्रयागराज करें, क्या उससे क्या तीर मार लिया? क्या तीर मार लिया मुगल सराय से आपने? दीनदयाल उपाध्याय कर लिया, उसे क्या समय में मोदी के बेरोजगारी के समय में इतना अपराध बढ़ रहा है? अभी वही अपराध धीरे धीरे हर एक जगह चालू है। गठबंधन का सरकार है, अगर ये गठबंधन बहुत ही कुछ कर रहा है धर्म के राजनीति कर जो हो रहा है इंडिया में, केंद्र में समझे कि देश धर्म का राजनीति एकदम हो रहा है, धर्म की राजनीति एकदम 100% हम कहेंगे धर्म की राजनीति हो रहा है। राम श्री राम हनुमान ये सब क्या है, जय भीम ये सब क्या मतलब लगे? अरे सब कोई है, सब लोग है, सब धर्म निरपेक्ष देश है। नाम भारत हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नामकरण चेंज करने से कोई चीज थोड़ी ना होता है, चेंज करने से मेन मुद्दा होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर चेंज ये नामकरण चेंज करने से कुछ नहीं होता है, ठीक ना? मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज होना चाहिए मेन मुद्दा। तो ये कहाँ से बार बार आ जाता है इंडिया को हर जगह से? मतलब अगर विपक्ष इंडिया नाम रख लिया है तो इंडिया को हर जगह से खत्म कर देता है? नहीं, ये तो पक्ष विपक्ष का मुद्दा है, कोई इंडिया भारत ये सब कुछ करते हैं, वो लोग अपना एक एक मुद्दा, नया नया मुद्दा उठा देते हैं और उस पर बस बहसबाजी होता रहता है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति जो है उनको एक इन्विटेशन दिए, उस पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या लगता है कि ये जो 5 दिनों की बैठक होने वाली है इसमें नाम चेंज के भारत हो जाए? नहीं, अब ये तो ये जो मुद्दा है तो राष्ट्रपति के पास गया है, अब ये राष्ट्रपति जी इस पे सोचेंगे समझेंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किन्हीं के प्रस्ताव देने से थोड़ी राष्ट्रपति अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो भी तो इस पे सोचेंगे ना कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, उसके बाद ही तो इस पे डिसीजन लेंगे। क्या लगता है जी भैया, सही हो रहा है? जी बिल्कुल सही हो रहा है, क्यों नहीं सही हो रहा है? कैसे सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। अगर हम भारत को भारत नहीं कहें, इस भारत भूमि को भारत के नाम से जाना था तो भारत नहीं कहें। आई लव माई इंडिया बोलते हैं ना, बोल के दिखाए तो आई हेट माई इंडिया बोल के दिखाइए। क्यों आई हेट माई इंडिया बोलूं? आपको इंडिया से इतना दिक्कत है जी? अगर हमारा क्या है जो हमारी राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं, एक राजकीय मतलब जो कार्य की भाषा हमारी क्या होती है, हिंदी होती है, तो हम हिंदी को महत्व देते हैं कि नहीं देते? हमारे सारे राज्य में जितने भी 28 राज्य हैं हिंदी को महत्व देते कि नहीं? पैन कार्ड चेंज होगा, आधार कार्ड? सुनिए तो पहले मेरी पूरी बात तो होने दीजिए ना। जब हम अपनी भाषा हिंदी को इतना महत्व देते हैं, अपनी भाषा को महत्व देते हैं ना, तो हम अपने इंडिया को भारत क्यों नहीं बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते हैं। हम क्यों अंग्रेजों को दिया हुआ नाम रखेंगे भारत? जब हमारे जो पूरा जो सनातनी थे, जो पुरातन थे, जो हमारे भारत के नाम पे, भारत भूमि के नाम पे इस देश का जब नाम भारत पड़ा था, हम भारत क्यों नहीं बुलाएंगे? भारत के नाम पड़ा था इस देश का, भारत के नाम पे भारत पड़ा था, भारत पड़ा था। क्या बोला जाता था पहले हमारे देश को जब यहाँ पे नहीं आए थे? तो जो आर्यावर्त बोला था, ठीक है आर्यवर्त बोला था, लेकिन भारत सुनिए नाम है, कितने नाम है आप बताइए? आप बोल रहे कि इसका नाम भारत था, भारत पहले क्या बोला? भारत को क्या? आर्यवर्त करना चाहिए, आर्यवर्त रख दीजिए, आर्यवर्त तो नहीं करेंगे। हाथ मत लगाइए। हाँ बोलिए, क्या आर्यवर्त नाम था तो आप कैसे कह दिए कि भारत भारत क्यों नहीं रख सकते नाम? भैया मैं बताता हूँ, आप अगर आप है तो आर्टिकल आप देखिए, हिंदी की जो भाषा है पूरे भारत में समझ नहीं चलती। केरल में आप मलयालम चलेगा और तमिलनाडु में तमिल चलेगा, तो ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाए। और जो और ये भी कितने परसेंट स्टेट है जहाँ हिंदी को मान्यता नहीं है, ये बताइए हमें।
भारत होना ही चाहिए। अरे 193 देश है, कौन ऐसा देश है जहाँ पे उसका नाम इंडिया है? इंडिया से पाकिस्तान का पाकिस्तान। पहले तो मैं कोई भी फॉर्म भरते हैं तो क्या कहीं पे लिखा हो रहता है? पहले तो अभी तो शुरुआत हुआ है बदलाव का, अभी तो शुरुआत है इस बदलाव का। अभी तो मतलब देखिए यहाँ पे उल्टा फुल्टा नाम इंडिया को बोला जा रहा है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया उल्टा फुल्टा नाम है। इंडिया उल्टा ना क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इंडिया उल्टा फुल्टा है ना, ये लोग रुकिए बोल रहे हैं कि इंडिया उल्टा फुल्टा। नहीं नहीं क्या दिक्कत है, जी अरे इंडिया जो है कि जो भी प्राचीन का उसको कर जाए तो भाई ताजमहल को गिरा दिया जाए। गिरा दो गलत है, गिरा दो। जब हमारे सुनिए हम नहीं बुलाते हैं विदेशी को। मोदी जी ताजमहल क्यों दिखाने लाए थे ट्रंप? सुनिए जब अगर हाँ बोलिए मोदी जी ट्रंप को ताजमहल गए दिखाने लाए, वो तो एक प्यार की निशानी के रूप में बनाया गया, ठीक है? तो गिराने का बात कर रहे हैं वो भी ऐसा प्यार। अरे भैया बताइए, बोल रहे हैं कि इंडिया का नफरत, इंडिया उल्टा फुल्टा नाम। ठीक है ठीक है, एक मिनट आप, एक भैया आपने बोला कि इंडिया उल्टा फुल्टा नाम है, कैसा उल्टा फुल्टा नाम है आप? अरे देखिए 193 देश है ना, वो ऐसा देश है जिसे नेपाल को नेपाल बोलता, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बोलता, तो भारत को भारत बोलिए। इंडिया बोलने में क्या आपत्ति है? आपत्ति है, पहले बोला जाता था जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वो ठीक था। ये सब जानते हैं, ये सब बीजेपी के अनभक्त लोग हैं, ये सब बीजेपी के अनभक्त लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब बीजेपी के अनभक्त लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इंडिया इंडिया उल्टा फुल्टा कैसे नाम है इनका? आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ बता दीजिए हमको, पैन कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? नहीं ना भैया कि भारत देश के नाम पे कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो अपना पूरा मिला कर क्यों इंडिया रखा? क्यों इंडिया देश कर रहा है? मोदी जी पता है आपको, ये सब काम मोदी जी का है। मोदी जी सब बेमतलब वाला कर इंडिया के भारत में। अच्छा अच्छा होगा ही, ठीक है फिर इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। लाइन में लगने में बड़ा मजा आता जी, बोलिए। लाइन में लगने में आधार कार्ड का नाम, हमें कोई 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 दिक्कत नहीं है। जब नोटबंदी हुआ आपके पास बड़ा पैसा है जी, गरीबी का याद आता है, नोटबंदी का याद आता है, बोले भैया सुनिए ना, गरीब है क्या अमीर है क्या? गरीब है हम, एक आप इनको बड़ी भैया, ये मोदी जी का दिया हुआ, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, हमको याद आता है मैडम, बहुत बहुत याद। नोटबंदी मजा आएगा, नोट लाइन में बेकार के टाइम बात देना। हेलो सुनिए सुनिए, मोदी जी तो सिर्फ पॉलिटिक्स लड़ते हैं धर्म पर, उसके अलावा कुछ तो लड़ते नहीं है। मोदी और योगी का एक ही काम है, सिर्फ पॉलिटिक्स लड़ना है धर्म पर और किसी पे नहीं। बेरोजगारी पे लड़ो भाई, लड़ो लड़ो। शिक्षा की बात नहीं होती है, सिर्फ नाम चेंज करने से क्या? खाली बेरोजगार खाली धर्म कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक ना? किले की क्या बड़ाई है, इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए जी, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं दो तीन वो लोग कि इंडिया उल्टा फुल्टा नाम है, नहीं एकदम बढ़िया नाम है, बढ़िया नाम है इंडिया। अच्छा बताइए, इतना पब्लिक के बीच में लोग बोल रहे हैं कि इंडिया उल्टा फुल्टा नाम है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया बेस्ट है, इंडिया अपने देश का नाम है, इसको ऊंचा बढ़ाना चाहिए। चैनल का नाम बता दीजिए अपना, चैनल चैनल बोले, चैनल का नाम बताइए। ये जो बात हो रही है कि इंडिया का नाम चेंज, इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख देना, नहीं नहीं इंडिया अपना देश का नाम है, नाम सही है। इन लोगों का योजना के अंदर, भाजपा के योजना के अंदर जो इंडिया शब्द लगा वो उस वक्त अच्छा था, इंडिया अभी खराब हो गया। स्टार्टअप सुनिए ना भैया, खराब हो गया वो तो छोड़िए, कितना सारा इंडिया लेकर के आए, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, खराब हो गया वो तो छोड़िए, खराब हो गया तो इनको लोग यही बोल रहे हैं ना कि इंडिया उल्टा फुल्टा नाम है। तो इंडिया उल्टा फुल्टा तो उनका जो योजना वो अभी तो उल्टा फुल्टा, इंडिया बोलने के लिए उनका उनका तो उनका तो उनका तो सभी योजना उल्टा फुल्टा था, इसका मतलब इंडिया। भैया अभी वो लड़का आई हेट माई इंडिया बोलने के लिए, हाँ तैयार था, आई हेट माई इंडिया बोलने के लिए। आई लव माई इंडिया,
इंडिया के बारे में जो भी गलत बोलेगा वो देशद्रोही है, देशद्रोही है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यकर्ता नहीं अंधभक्त थे, कार्यकर्ता थोड़े थे। वो डर लग गया इंडिया नाम से, डर लग गया इंडिया नाम से, सच में डर उड़ लग रहा था। डर लगेगा कुछ डर नहीं, लोग इंडिया भारत आज हम चेंज कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे चेंज कर, हम ये नहीं कि जितना आप मुद्दा यही है भाई, आपका मुद्दा है नाम, हम मेरा कहना है कि आप जो जितना टाइम लगाओगे नाम चेंज करने में, क्या बोल रहे हैं नाम चेंज काहे के लिए होगा इंडिया का, ये बताइए तो। नाम चेंज ही नहीं, ये नहीं बोल रहा है, लड़का निकल गया बोल के, बोल रहा है आई हेट माय इंडिया, कितना बढ़िया नाम है इंडिया। आप लोग नहीं चाहते हैं कि इंडिया का नाम चेंज, ना इंडिया का नाम काहे चेंज, इंडिया का नाम इंडिया नहीं, हां इंडिया का नाम इंडिया, इंडिया 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 इंडिया, आई लव माय इंडिया, इंडिया इंडिया, आई लव माय इंडिया, I love my India. चलिए पीछे चलिए, चलिए हमारे साथ पटना जंक्शन में बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे हैं आई लव माई इंडिया, ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहेगा, नाम चेंज करने से ना तो शिक्षा व्यवस्था ठीक होने वाली है ना बेरोजगारी खत्म होने वाली। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से दे दीजिएगा, फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।